देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां पर एक बंदर मेरठ मेडिकल कॉलेज के लैब के अंदर घुस आया। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही तो तब सामने आई जब बंदर ने लैब टेक्नीशियन से कोरोना सैंपल वाला पैकेट छीन लिया और वहां से भाग गया। हॉस्पिटल स्टाफ पीछे भागा तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया और किट चबाने लगा। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसका वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाने वाले लैब टेक्नीशियन को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उसने ये बात बाहर क्यों लीक की। दरअसल कोविड 19 रोगियों के ब्लड सैंपल को लेकर जांच के लिए मेरठ के LLRM लैब में ले जाया जा रहा था। लैब टेक्नीशियन के हाथ से बंदर सैंपल छीन ले गया। लैब में मौजूद मेडिकल स्टाफ बंदर के पीछे सैंपल छीनने के लिए दौड़े तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर के भागने के बाद इलाके में दहशत है। लोगों का कहना है कि कहां सैंपल से बंदर संक्रमित ना हो जाए और उससे इलाके में संक्रमण ना फैल जाए। वन विभाग के लिए उस बंदर को चिन्हित करना मुश्किल है। इस मामले में यूपी कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक बंदर कोरोना मरीजों के सैंपल्स लेके भाग गया। मेरठ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है और लापरवाही का आलम देखिए। खैर, सरकार इस पर भी नया झूठ लेकर आएगी। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।